चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर के चलते हैं हिंदुस्तान की सबसे पॉपुलर ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में। और अभी हम इस समय हैं इंडिया के व्यस्ततम रेलवे स्टेशन यानी कि हावड़ा जंक्शन में। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस है, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए मेक इन इंडिया का बड़ा सा लोगो लगा हुआ है इसके इंजन पर। और आगे चल कर के आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि इसको डिजिटाइज किया गया है, यानी कि इसकी जो कोचेज़ हैं कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाएगी उसका एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए वो सामने आप देख पा रहे हैं, ये E1 कोच है। आपको अभी E1 कोच के अंदर लेकर के चलेंगे। ये देखिए E1 वेलकम्स यू। अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं, ये ट्रेन एक्चुअली अभी अभी जस्ट प्लेटफॉर्म पर आई है तो अभी साफ सफाई का काम इस ट्रेन में चल ही रहा है। ये देखिए अंदर से सारी साफ सफाई का इसमें शेड्यूल भी बना हुआ है, कब क्लीनिंग हुआ, कब क्लीनिंग ड्यू है इसका। जितने भी डोर्स हैं इसके सारे स्लाइडिंग डोर दिए हैं इस ट्रेन में। और ये इमरजेंसी के लिए टॉक बैक यूनिट भी दिया गया है, अगर आपको इमरजेंसी में किसी से बात करनी है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर इमरजेंसी के अलावा नॉर्मल यूज़ किया तो भाई फ़ाइन भी लग सकता है। भारतीय रेलवे आपकी सेवा में, ये इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं, हर एक कोच में बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। CCTV से लैस है सारे कोचेस। एंट्री में भी CCTV आपको मिलेगा, एग्ज़िट में भी आपको CCTV मिलेगा। ये देखिए अभी जनता बस आ ही रही है, यहाँ पर साफ सफाई का काम चल ही रहा है। यहाँ की टॉयलेट्स आपको दिखाते हैं, ये है भारतीय शैली यानी इंडियन स्टाइल। देखते हैं यहाँ पर कैसा हाइजीन मेंटेन किया है। देखने से ठीक है, हाइजीन तो लगता है। सारे पुश बटन सिस्टम दिया गया है यहाँ पर फ्लश को ऑन करने के लिए, तो साफ सफाई तो ठीक है। सारी जितनी भी टॉयलेट्स हैं वो बायो टॉयलेट्स हैं। और ये है वेस्टर्न स्टाइल यानी कि पाश्चात्य शैली। यहाँ भी आपको दिखाते हैं ये किस तरह का टॉयलेट है यहाँ का। ये भी देखिए ठीक है, मतलब साफ़ सफाई इसका अच्छा ही है। यहाँ भी पुश बटन सिस्टम है, स्प्रिंकलर वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए मैंने बोला था ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है, ये यानी सेंसर बेस्ड है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी आपको चलते हैं इस E1 कोच, मेरा कोच है E1, इसमें आपको दिखाते हैं क्या है अंतर बाकी ट्रेन के तुलना में वंदे भारत एक्सप्रेस में। इंटीरियर में डिफरेंस है इंटीरियर, और ये अच्छा यहाँ पर भी दिया हुआ है बेसिक जो है टॉक बैक यूनिट, यहाँ पर भी दिया है, एक बाहर भी दिया है और एक कोच के अंदर भी है। इसके सारे SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखे हुए हैं। खिड़की का जो पर्दा है ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन किया है, आपको दिखाएंगे। इसको ऊपर नीचे करके इसके कर्टेन को हम बंद और खोल सकते हैं। ये है अलार्म सिस्टम। भारतीय रेल आपका स्वागत करती है। ये देखिए अंदर भी सारा डिजिटाइज है। और ये है सबसे खास चीज़ यानी कि रिवॉल्विंग चेयर, जो इस ट्रेन का वंदे भारत का USP है। इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। और ये हर एक ट्रेन के हर एक कोच में यहाँ पर साफ़ सफाई के नंबर्स वगैरह भी दिए हैं। ये देखिए सीट के नीचे ही चार्जिंग पॉइंट दिया है, ये भी एक स्पेशलिटी है, विशेषता है। ये देखिए दोनों तरफ जितने भी आमने सामने की सीट है उसके नीचे ही चार्जिंग पॉइंट की सुविधा दी गई है आपको। और ये है देखिए ये क्या है, ओके, यानी आपको खाना वगैरह जब खाना है तो दूसरी ट्रेन की तुलना में कुछ अलग सिस्टम से अलग डिज़ाइन किया गया इस ट्रे को। ये है रिवॉल्विंग चेयर का, आपको दिखाते हैं कैसे मूव होती है। ये जो लीवर दिया है उसको आप नीचे दबाइए तो इस तरह से पूरा
लगभग 360 डिग्री जो है पूरा मूव हो जाएगा। ये देखिए सीट पूरी रिवॉल्व हो जाएगी। और ये जो आपको ट्रे में दिखा रहा था, देखिए ट्रे को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप इसको सीट हैंडल को आप मूव करिए, खोलिए, उसके बाद इस ट्रे को आप बाहर निकालिए। थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो रही है इसको निकालने में, मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको निकालने की। निकल जा भाई। ये देखिए अब ये देखिए इस तरीके से निकल जाएगा ये। और इसको आप बंद कर दीजिए, और नहीं बंद नहीं करना है, इसको खोलिए। खोलने के बाद ट्रे को आप अनफोल्ड करिए, ये देखिए, और इस तरीके से वापस फोल्ड करके आप इसको वापस चेयर के हैंडल के अंदर स्लॉट के अंदर रख सकते हैं, और इसको ये बंद कर दीजिए। तो ये स्पेस का बढ़िया यूटिलाइजेशन ही है इसमें, वंदे भारत एक्सप्रेस में। ये देखिए ऊपर एक फायर अलार्म सिस्टम है, धूम्रपान निषेध, ये डिजिटाइज किया गया है। भारतीय रेल आपका स्वागत करती है। ये हैंडीकैप के लिए व्हील चेयर भी है, हर एक कोच में आपको व्हील चेयर भी मिलेगी। और ये यहाँ पर कैंटीन वालों ने अपना कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। ये सारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं कोच के बाहर। ये सारा जो है इन्हीं लोगों का है, पेंट्री वालों का ये सब ताम झाम है यहाँ पर। ये हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ये सारी है चीज़ें, ये हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, ये सारे पेंट्री वाले यूज़ करेंगे इसको। ये देखिए इसका लैग स्पेस, अब आप देखिए लैग स्पेस बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा खासा लैग स्पेस है वंदे भारत में। और ये आप इसको लीवर को प्रेस करके पूरा पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगा आपकी चेयर का, तो आराम। और देखिए भैया इसमें जो है बढ़िया न्यूज़पेपर भी मिलेंगे, मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया मिला और एक हिंदी न्यूज़पेपर झलक मिला है मुझे। किस ट्रेन में? पटना हावड़ा। और ये जो मैं शुरू में बात कर रहा था, ये अप एंड डाउन स्लाइड मोशन में कर्टन जो है आपके खुल और बंद सकते हैं, बंद हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और मुझे भाई गुलाब के फूल से स्वागत भी हुआ है, और साथ में आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स मिलेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, ये क्या है, आलमंड्स है, बादाम दिया है, चाय और कॉफ़ी मिलेगी आपको, एंड ये क्या है ओके, रिफ्रेशिंग कुछ आइटम है। ये देखिए ट्रॉपिकाना का जूस है, ये भी कुछ पॉपकॉर्न है, ये छाछ मिली है, ये है कुछ कोको क्रीम जैसा कुछ मिला है। मैं तो सब बच्चों के लिए ले जाने वाला हूँ,